नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेके ऑनलाइन पॉइंट में। एक बार फिर से हम आप लोगों के लिए बेल्ट्रॉन से जुड़ी एक बिग अपडेट लेकर आ चुके हैं। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि आप देख पा रहे हो, फिर से एक न्यू नोटिस जारी कर दिया गया है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अभी आपका हाल ही में टाइपिंग रिजल्ट आया हुआ था, ठीक है, जो कि फाइनल रिजल्ट था, तो यहाँ पर आपका स्कोर शीट जारी कर दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो जो लोग पूछ रहे थे कि मेरा नाम नहीं है, जो आपका रिजल्ट निकल कर आया हुआ है बेल्ट्रॉन का, वहाँ पर मेरा नाम नहीं है, तो उन सभी के लिए ये सोल्यूशन निकल कर आ चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर के कैंडिडेट ध्यान देंगे इस न्यू नोटिस पर जरूर। तो चलिए आपको ले चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर और नोटिस के बारे में बताते हैं। तो सारी जानकारी बताने से पहले फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। बेल्ट्रॉन से छोटी सी बड़ी अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल पर जरूर जुड़ी रहेगा, साथ में आपको लेटेस्ट जॉब की भी नोटिफिकेशन मैं देता रहता हूँ। तो चलिए आपको ले चलते हैं नोटिफिकेशन पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ आपके बेल्ट्रॉन के, ठीक है। वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको नीचे आना है एंड यहाँ पर आप देख पा रहे हो और जारी किया गया है, क्या है कि आप देख पा रहे हो स्कोर शीट, ये देख पा रहे हो दिया गया है स्कोर शीट ऑफ ऑल अपीयर डीओ टाइपिंग टेस्ट। और उसके पहले जो लिस्ट आई थी, यहाँ पर आप देख पा रहे हो फाइनल रिजल्ट ऑफ टाइपिंग टेस्ट है। आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ देर के लिए क्या है कि रिजल्ट को हटा दिया था वेबसाइट से, तो बेल्ट्रॉन यही सब अपडेट कर रहा था, ठीक है। क्या है कि जब पहले रिजल्ट बेल्ट्रॉन क्या है उल्टा पुल्टा काम करता है, सबसे पहले इसको स्कोर शीट जारी करना था, तो जैसे कि सीबीटी में इसने क्या कि रिजल्ट जारी कर दिया, तो इसने भी पहले रिजल्ट जारी किया, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट, यानी कि ये फाइनल वाला रिजल्ट है, मैंने आपको बताया था ना कि फाइनल रिजल्ट है ये, मैंने कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि नहीं ये स्कोर शीट हो सकता है ये वो, तो ये फाइनल रिजल्ट मैंने आपको बताया था। तो पहले जब आपका आया था वो फाइनल रिजल्ट आया था, अभी आपका ये स्कोर शीट जारी कर दिया गया, ठीक है। तो जिनका नाम नहीं था और जिनको डाउट था कि मेरे मार्क्स कम आए हुए हैं, क्या कैसे चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप स्कोर शीट पर सेलेक्ट करके देख सकते हो। मैं स्कोर शीट पर क्लिक कर देता हूँ, मैंने पीडीएफ पहले से डाउनलोड कर रखा था, डायरेक्ट इसको ओपन कर लूँगा एंड आप लोग देख पा रहे हो कुछ इस तरह का आपका पीडीएफ ओपन होकर आ जाएगा। एंड आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दिया गया कि वर्ष 2020 के फरवरी 18, 19, 20 एवं 21 को संपन्न हुई टाइपिंग टेस्ट में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के सफल एवं असफल, यहाँ पे जो कैंडिडेट सफल हुए हैं यानी कि जो पास हैं और जो फेल हैं, उन सभी का नाम यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि ये स्कोर सीट है टाइपिंग एग्जाम की आपके, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया कि निर्धारित कट ऑफ एवं अधिमानताओं के आधार पर अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों का परीक्षा फल अलग से दिनांक 4/3/2020 को प्रकाशित किया जा चुका था। जैसे कि मैंने आपको बताया था वो अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थी थे, ठीक है। और कुछ लोग कह रहे थे कि जिनका हिंदी में 00 मार्क्स वो भी पास हैं, तो ये बेल्ट्रॉन ने यहाँ पर कुछ अलग कर दिया कि जो एक किसी एक एग्जाम में पास है, ठीक है, चाहे वो इंग्लिश का हो या फिर वो हिंदी का हो, किसी एक एग्जाम में वो पास है, चाहे इंग्लिश की टाइपिंग में पास है या हिंदी की, तो उसको पास कर दिया जाए। आप हिंदी में 00 ही लेके क्यों ना आए हो, वो आपको इंग्लिश में पास किया है, अगर आप टाइपिंग एग्जाम पास किए हैं तो आप इस फाइनल वाली लिस्ट में आ चुके हैं। एंड आप लोग अपना नाम जरूर चेक कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। और जो लोग अभी तक रिजल्ट नहीं चेक कर पाए हैं, उनको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और ग्रुप भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए या फिर आप टेलीग्राम एक या ऑनलाइन पॉइंट सर्च मारोगे तो पहले आपको चैनल दिखेगा, उसके नीचे आपको ग्रुप दिखेगा, ठीक है। चैनल का लोगो लगा है, ज्वाइन हो जाइए। लगभग 300 मेंबर ग्रुप में हैं और 1000 लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए हैं। आप भी जाइए, बातचीत कीजिए और अपडेट रहिए, ठीक है। और इस नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर लीजिए एंड यहाँ पर सभी का नाम दिया गया, जो सफल हैं जो असफल हैं। और यहाँ पर मैं आपको नीचे लेके दिखाता हूँ और बताता हूँ कितना टोटल कैंडिडेटों का यहाँ पर नाम दिया है। तो यहाँ पर टोटल जो कैंडिडेट है 14,534 हैं और फिलहाल जो टाइपिंग एग्जाम दिए थे, मतलब टाइपिंग एग्जाम क्या जो सीबीटी पास हुए थे, ठीक है, सीबीटी जो पास हुए थे 15,880 के लगभग कुछ कैंडिडेट थे। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो कैंडिडेट शायद यहाँ पर 14,534 ही आए हैं, बाकी कैंडिडेट हो सकता है कि एबसेंट हो गए हों, ठीक है, ये रीज़न हो सकता है, या फिर उनको एग्ज़ाम की डेट ना पता चली हो, तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इशू होते हैं, तो एग्ज़ाम कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो यहाँ पर 14,534 ही एग्ज़ाम दिए थे, सभी का यहाँ पर स्कोर शीट जारी कर दिया गया है। जानकारी कैसी लगी फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ये नोटिफिकेशन चाहते हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको ये नोटिफिकेशन शेयर कर दिया जाएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नॉलेजफुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय।